आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीप, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसका नाम है अनएम्प्लॉयड दीप। सो दोस्तों, आज हम बात करते हैं डार्क रियलिटी ऑफ व्लॉगिंग की। दोस्तों लोग जो दोस्तों बात करते हैं कि आज एक बहुत ज़्यादा फैशन चल गया है अभी दोस्तों, व्लॉगिंग व्लॉगिंग करना है ना। आजकल व्लॉगिंग जो है बहुत ज़्यादा फैशन बन गया है। देखिए, व्लॉगिंग बहुत सारे तरीके के हो कि मतलब बहुत सारे तरीके के व्लॉगिंग होते हैं ना। पहले आप अपने आप से ये है ना सवाल पूछिए कि मैं इस व्लॉग से क्या सीख रहा हूँ। आप जब कोई व्लॉग देखते हैं, किसी वीडियो में किसी का व्लॉगिंग देखते हैं, तो इस सवाल पूछिए कि इस व्लॉग से मैं क्या सीख रहा हूँ, है ना, क्या सीख रहा हूँ, ये सवाल पूछिए। दूसरा, क्या मैं एडिक्ट हो गया हूँ, क्या मैं भी व्लॉगिंग पे चला जा रहा हूँ, ये दो सवाल आपको पूछना है। व्लॉग कई तरीके के होते हैं, है ना। सीखने वाले व्लॉग होते हैं, बहुत बढ़िया है। सीखने वाले जो व्लॉग होते हैं वो बहुत बढ़िया है। ट्रैवलिंग व्लॉग अच्छे होते हैं, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं ना। अलग अलग जगह जाना ट्रैवलिंग, और स्कैम्स भी होते हैं ट्रैवलिंग में, है ना। कुकिंग व्लॉग भी बढ़िया है, टेक व्लॉग्स भी बेस्ट है, लाइफस्टाइल व्लॉग्स होते हैं। लाइफस्टाइल व्लॉग्स जो होते हैं दोस्तों, कुछ लोग ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं ना, कुछ लोग फेक होते हैं, आधे से ज़्यादा तो फेक होते हैं। तो इसमें लोग दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसमें लोग क्या होता है दोस्तों, तो लाइफस्टाइल व्लॉग होते हैं ना दोस्तों, इसमें लोग अपने आप ज़्यादा एक्सपोज करते हैं अपने आप को ज़्यादा, है ना। मैं खाना बना रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, बाथरूम साफ कर रहा हूँ, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, सब शूट कर रहा हूँ। लेकिन ये डेंजरस है दोस्तों, आपको बता दूँ कि भारत में यूट्यूब में 80% लोग व्लॉग देखते हैं। लेकिन ऑलवेज चूज योर हीरोज वाइजली, अपने हीरो को वाइजली चूज कीजिए कि मेरा हीरो कौन होगा, है ना। उनको अपना आदर्श बनाइए, जिन लोगों ने कुछ किया हो, ज्ञानी हो, है ना, जिसने मतलब जिनसे आप इंस्पायर हो सके, है ना, समाज में अच्छा करने के लिए, है ना। जैसे लाइफस्टाइल व्लॉग है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं ना, इसमें लाइफस्टाइल व्लॉग में दिखा रहे, इससे दो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप कनेक्ट करने लगते हो आप उनसे। किसी बड़े लाइफस्टाइल ब्लॉगर को देख लीजिए जिसका मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर है, आप देखते हो हाई रिच लाइफस्टाइल दिखाएगा, लड़की दिखाएगा, ये वो बहुत दिखाएगा, सब कुछ, है ना, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता रहा, है ना आप, तो फिर क्या होता है, आप भी उनसे कनेक्ट करने लगते हो। वो इन्फ्लुएंस तो करते हैं ठीक है, लेकिन आप भी उनके ऐसा सोचते हो, आप भी उनके ऐसा करने लगते हो, है ना। आपको लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है, उससे तो मिलियंस ऑफ मिलियंस में फॉलोअर्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा भाई, लेकिन तुम देखो, तुम उसके बारे में सोच सोच के उसके ऐसा बनने में कितना वक्त गंवा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। मिलियंस लोग है ऐसे, मिलियंस लोग है, मैक्सिमम चाहेंगे कि मेरा देखे, है ना। जैसे एक कोई किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े ब्लॉगिंग किसी भी का ले लीजिए, को देखने के लिए, जैसे कि किसी एक्स वाई यूट्यूबर को देखने के लिए भीड़ लग जाती है ना, तो उनके फैंस भी उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, मैं उस एक्स वाई यूट्यूबर से मिलने गया, उसका व्लॉग बनाते हैं फिर, है ना। छोटे छोटे व्लॉगर्स होते हैं ना, व्लॉगिंग इज टफ दोस्तों, इससे मतलब वो बनाने चले जाते हैं, है ना, कि मैं इनसे मिला, तो वो ब्लॉग कौन देखेगा, जिससे मीटअप है उसको ज़्यादा देखेगा, जिससे मीटअप करने गया उसके व्लॉग ज़्यादा देखेगा ना, आपके व्लॉग्स तो नहीं देगा, आप मीटअप बना रहे हो, उस इतने व्यूज़ नहीं आएगा, है ना। तो छोटे छोटे व्लॉगर्स को फ़ायदा नहीं होता उतना। तो व्लॉगिंग इज टफ दोस्तों, प्राइवेसी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप, है ना। आपको लगता है कि इजी है, सब नहीं, इजी नहीं है। दे पे प्राइस दोस्तों, देयर लाइफ। वो बोलेंगे मेरा साइड बिजनेस है, व्लॉगिंग तो बस ऐसे ही करता हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। उनकी पूरी पर्सनल लाइफ दिखा देते हैं, और क्योंकि उनके लिए हर एक चीज़ कंटेंट है, हो जाता है, और उनके लिए जीवन ही एक तरीके से व्लॉगिंग है, लाइफ ही उनका व्लॉगिंग और कंटेंट बन जाता है क्रिएटर का, है ना। और हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये हमारा परिवार का पार्ट हो जाता है फिर यूट्यूब चैनल, है ना, ठीक है, पार्ट हो जाता है। बट क्या वो आपके अपना परिवार का पार्ट मानते हैं, क्या वो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको अपना पार्ट मानते हैं, परिवार का पार्ट मानते हैं कि नहीं। यू आर जस्ट ए वन इन ए मिलियन, नहीं मानते, वो वन इन ए मिलियन है, आपको समझनी पड़ेगी, और आप उनके पीछे पागल है, इनसे बढ़िया कोई नहीं है, है ना।
ऐसा सोचते हैं, इनसे महान कोई नहीं। भाई उसने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ एक्सपोज कर दी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये होता है दोस्तों कि सिगमंड, एक साइकोलॉजिस्ट है, सिगमंड ने बोला था, जो एक फादर ऑफ साइकोलॉजी है, छोटे बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। उन्होंने बोला था कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, आप उनको जैसा ढालोगे वो वैसा ही ढल जाएंगे, जैसा दिखाओगे वैसा वैसे ही करेंगे, है ना। बचपन से आप उनको कैमरा दिखा रहे हो अपने, उनको कैमरा ही दिखा रहे हो अपने उनको, तो कोई पर्सनल लाइफ दी ही नहीं, जो एक बहुत ही गलत तरीके से ग्रूम करना है। बच्चे को कोई पर्सनल लाइफ नहीं दे रहे आप, कैमरा में बचपन से ही कैमरा कैमरा लगा रहे, व्लॉगिंग करो बेटा, चलो पैसा कमा लो, उससे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, पैसा आ जाता है, लेकिन सबसे पैसा नहीं आता। मेरा यूट्यूब चैनल मैं खोला, पहला बंद हुआ था मेरा यूट्यूब चैनल, फिर मैं दोबारा खोला, एक पैसा नहीं आया अभी तक, पूरा मेरा पैसा गया गया, सिर्फ एक पैसा नहीं आया अभी तक। तो बहुत हार्ड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चलिए आगे। और हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कम उम्र में कैमरा लगा दे रहे हैं ना, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और उनमें सेलिब्रिटी सिंड्रोम आ जाता है। एक छोटे छोटे बच्चों में एक सेलिब्रिटी सिंड्रोम आ जाता है ना। एवरी क्राउड, मतलब आता है एवरी क्राउड, बच्चे वही चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, क्राउड है ना, आता है बच्चे क्राउड एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं बाद में जाके उनको वो बिहेवियर मतलब नहीं मिलता, वो बर्ताव व्यवहार नहीं मिलता। जब वो बड़े होते हैं, इससे इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती है बच्चों को, मतलब बाद में जब उनको वो भीड़ नहीं मिलती है ना, किसी को भी पहले पहले जब सेलिब्रिटी बनता है, जब को भीड़ मिल रही हो आपको, इसके बाद आपको नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती जब, तो वो बड़े होते हैं ना जब, तो उन्हें इनसिक्योरिटीज आती बढ़ती है। बच्चे चाहते हमेशा ऐसी सेलिब्रिटी वाले मतलब मिले, सेलिब्रिटी वाले मतलब उनसे मिले ये करे ना, और क्रिटिसिज्म झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, रियलिटी है ना, फिर बचपना चला जाएगा आपका। सब चाहते हैं यूट्यूबर पर, यूट्यूब में पैसा है पैसा है पैसा बनाना है ना, पैसा नहीं, शुरुआत के 10-15 साल तो बच्चों को ग्रूम करना चाहिए उनको, है ना, पैसे की लत लगा देते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत के 10-15 साल बच्चों को ग्रूम करना चाहिए, है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, क्लासिकल कंडीशन के हिसाब से मतलब 3-4 साल में आप जो भी उसके अंदर भर रहे हो है ना, वही उसकी दुनिया बन जाएगी बच्चों की, है ना। तो वही है, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लगता है ये फेम है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ निकलती नहीं है ना, मतलब पसीने निकल जाते हैं, छींक निकल जाती है, ऐसे ये जो हवा लग जाती है ना सोशल मीडिया यूट्यूब की, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते। छोटे बच्चों को दूर रहे व्लॉगिंग से, रियल में रहे है ना, ऐसा एनवायरनमेंट दो जहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई करे है ना, क्योंकि देखिए लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं ना, बच्चा कहीं पे भी जाएगा लोगों की भीड़ लगेगी है ना, मतलब किसी किसी बड़े यूट्यूबर का बच्चा हो वो भी फेमस होगा, क्योंकि उसका पापा यूट्यूबर है ना, मम्मी पापा जो भी है, तो वो भी जब जाएगा किसी जगह पे तो भीड़ लग जाएगी, लोगों की भीड़ लग जाएगी, और इसी इससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है, सेफ्टी भी है ना होती है, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, आपने उनको अपना भगवान बना लिया है ना, ऑडियंस ने, आपको लगता है कि, आपको लगता है कि कहीं पे भी जाएंगे आपसे वो ऐसे ही बिहेवियर करेंगे, आप किसी बड़े यूट्यूबर को मिलेंगे वो कहीं भी जाएंगे आप उनसे वो वैसे ही बिहेवियर करेंगे, हाँ मतलब करेंगे अगर हम उनसे मिलेंगे है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपसे मिलते नहीं है, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बढ़िया से तरीके से वो अपना काम निकालते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जो कंटेंट डिज़ाइन करते हैं कि सबसे अच्छा है, लेकिन जब आप उनसे मिलने जाते हैं, उनकी गलती नहीं है, देखिए उनकी भी गलती नहीं है, शुरुआती में फेम सबको अच्छी लगती है, फेम तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन बाद में सब बहुत लोग मिलने आते हैं ना, तो दिमाग ख़राब होने लगता है कि यार मेरी प्राइवेसी जो है बची ही नहीं, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तो उसे में फ्रस्ट्रेशन आता है ना, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया एक्सपोज, फिर है ना आप एक्सपोज कर दिए जाओगे, फिर उसके बाद नीचे डाउन शुरू होता है आपका आना है ना। बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं, शुरुआत बहुत बढ़िया किया उन्होंने, लेकिन अब बहुत होता है कि मतलब बहुत हेट सामना करना पड़ता है किसी किसी को है ना, बहुत हेट सामना करता है, फिर बहुत सारे 15-16 साल है ना, 1 साल के बच्चे बड़े ब्लॉगर को फॉलो करके उनके जैसा वीडियोस बनाते हैं है ना,
खुद के प्राइवेसी को एक्सपोज कर देते हैं ना। एवरीथिंग दे शो चूज है ना, एवरीथिंग दे शो है ना। सो मतलब मैं बोल रहा हूँ चूज योर हीरो वाइजली। हमेशा याद रखिए कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमेशा ये याद रखिए ये चीज का ये, ये याद रखिए ये चीज़ योर चूज़ योर हीरो वाइजली। हमेशा याद रखिए ये चीज़ है ना। ये काम शायद लक में किसी का चल रहा है, लक लक में किसी का पैसा कमा रहा है, चल रहा है यूट्यूब है ना, लक में किसी का चल जाता है ये है ना, लक में किसी का चल रहा है, लेकिन हर किसी का नहीं चलेगा ये। मैं बोलो मेरा नहीं चल रहा है, फिर ऑब्सेशन कंटेंट कंटेंट कंटेंट, उस चक्कर में आप खुद ट्रैवल नहीं कर पाओगे है ना, खुद कुछ नहीं देख पाएंगे, आप एंजॉय नहीं किया, बस कैमरा लेके बाकी लोगों को दिखा रहे थे आप ये हो ये है देखो। तो ये डेंजरस है, मेंटली फिजिकली परेशानी, इससे अच्छा ऑप्शंस मतलब बहुत है। लेकिन ये जो आप कुछ ट्रैवल ब्लॉगिंग है उनसे आप कैमरा लेके आप नहीं एंजॉय कर रहे हो ना, सिर्फ कैमरा लेके दिखा रहे हो ये है वो है ये, खुद क्या एंजॉय कर रहे हो, खुद सांस ले रहे हो उस जगह पे अच्छे से, खुद उस जगह की स्मेल ले रहे हो, खुद उस जगह पे सिर्फ कैमरा कैमरा मतलब मोबाइल ये वो, दिमाग ख़राब हो जाता है ना, दिमाग बहुत वो होता है। तो ये बात है, इससे अच्छे ऑप्शन है दोस्तों, चलिए बात कर। तो इसीलिए कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और आपका नाम हो है ना। सीखिए उनसे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो है ना, या फिर जो प्रोडक्टिव करते हैं ना, राइट, जो प्रोडक्टिव है ना, राइट। ये चीज़ फिर नेक्स्ट पॉइंट है, व्यूज़ आते हैं है ना व्लॉगिंग में है ना, मतलब प्रोडक्टिव है ना, राइट या चीज़ें, नेक्स्ट पॉइंट है व्यूज़ आते हैं है ना व्लॉगिंग में, क्योंकि इंसान को दूसरे के पर्सनल लाइफ देखने में बड़ा मज़ा आता है हमें है ना, झगड़ा देखना पसंद है पड़ोसी का इधर उधर का है ना, पंचायत पंचायत बिना चैन का रे पड़ोसी के, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा एक्सपोज हो रही है वो भी एक एक लिमिट होती है यार हर चीज़ की, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है यार। तो काम ऐसा जो दुनिया याद रखे है ना, टेक व्लॉग्स ट्रैवलिंग बहुत अच्छे है। देखिए व्लॉगिंग मतलब शराब और सिगरेट से भी खतरनाक हो चुका है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो व्लॉगिंग है ना शराब और सिगरेट से भी खतरनाक है, पैसा भी है मतलब खतरनाक है, देखने से आप देखते ही रहेंगे, तो एडिक्शन है, देखते ही रहेंगे किसी चीज़ पे टॉपिक पे। मैं कुछ दिन पहले एक किसी ट्रैवलिंग ब्लॉग देख रहा था ईरान का, तो मैं उसका प्लेलिस्ट देख रहा था, एक वीडियो देखा दूसरा दूसरा दूसरा, पूरा देखते देखते 3-4 बज गया मेरे, अरे ये क्या हो गया। तो ये नशा है बहुत, देख रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा रात बीत गया, 4-5 बज गया, मेरा नींद उड़ गया, फिर ख़त्म, खतरनाक था मेरे लिए। तो खतरनाक है, देखने से आप देखते ही रह जाते, तो एडिक्शन है, मज़े के लिए देखिए ना कि घंटों घंटों उसे देखना शुरू करो है ना, परेशान हो थोड़ा देख लो है ना, देख लिए तो वो ठीक है कोई बात नहीं, परेशानी है तो कुछ मज़े के लिए देख लिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे अपने आप को कनेक्ट मत करिए है ना। कोई कोई दूसरे देश की लड़कियों को देख के सोचते हैं मैं इनसे शादी कर लूँगा जाके, ऐसा नहीं होता दोस्तों ब्लॉगिंग में है ना, सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा मत सोचिए, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कुछ रियलिटी में भी रही है ना। तो घंटों घंटों मत देखिए, शुरू करो, परेशानी हो तो थोड़ा सा देख लीजिए वो ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अब वापस अपने काम पे वापस, बिल्कुल काम पे वापस आ जाइए। इंडिया में लोग सेलिब्रिटीज़ के ऊपर पागल है, पता है आपको, इंडिया में लोग सेलिब्रिटीज़ के ऊपर पागल, लेकिन यूएसए यूरोप में ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाते हैं, कोई बॉदर नहीं करता उतना उनको यूएसए में है ना, अनटिल अनलेस वो किसी ऊंचे लेवल का हो है ना, सिल्वेस्टर स्टैलोन आर्नोल्ड इस लेवल का हो, तब जाके कोई है ना करता है, जॉनी डेप वगैरह रॉबर्ट डी जेनिरो वो लोग तो कम ही है ना, तो एक एंजेलिना जॉली ऊंचे लेवल तक होता, वरना यूएस में किसी को ऐसे ही वो घूमते रहते हैं कि कोई इनको वो नहीं देता, एक लेवल का हो तब एक एक आध फोटो लेकिन मांग लेते तो दे देते, लेकिन इंडिया में दोस्तों उल्टा उसको हम महान बना लेते हैं कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ एन्जॉय करने दो, ये नहीं कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ एन्जॉय करने दो, आप अपनी लाइफ जियो, आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको फॉलो करें, उसमें मेहनत करो, उसमें मेहनत के बजाय हर जगह उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल लाइफ में ब्लॉगिंग रिस्क है, कुछ प्राइवेसी भी होनी चाहिए ना, हर चीज़ दिखा रहे हो आप, अच्छा नहीं लगता ना, तो ये चीज़ है। अब अमेरिका की बात करते लोग, अमेरिका तो ऐसा है वैसा है, अमेरिका तो कैपिटलिज्म का जन्म है दोस्तों, वहाँ तो सब कुछ बिकाऊ है, एक चाहे वो किराए की शादी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कुछ भी हो, पुराना चीज़ हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो अपना शरीर हो, सब कुछ, चाहे वो सेक्स हो,
सब कुछ बेच डालते हैं वो लोग, तो वो है ना, वहाँ पे तो 18 साल में घर से निकल जाते हैं होमलेस, बस खत्म, खलास, फिनिश, टाटा बाय बाय, माँ बाप को छोड़ के निकल जाते, और पैसे भी नहीं देते माँ बाप, बस निकल जा, हमारा वो खर्चा नहीं है, और अगर घर में रहेगा तो पैसा देना पड़ेगा 18 साल के बाद, ऐसा है। कोई कॉलेज स्कूल अपने से कर जाके काम कर, इधर ऐसा नहीं है। इंडिया में ज़्यादा लुल्लू चप सो इंडिया में ज़्यादा लुल्लू चप्पू ये होता है, माँ बाप के प्यारे लाडले होते हैं, ममाज बॉय। यूएसए में ऐसा नहीं होता दोस्तों, यूएसए में लात मार के निकाल देते, जाओ अपना देखो तुम, हमारा कोई वो नहीं है, जन्म दे दिया बस वही बहुत है। तो यूएसए और भी हार्ड है, तो मैं डार्क लेटी यूएसए के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है एक, वो वाला देख लीजिए, आपको देखना है तो बना, अच्छे वीडियोस बना तो देखते नहीं आप लोग, तो देख लीजिए वो वीडियोस। ये वीडियो भी मैंने बनाया है व्लॉगिंग के ऊपर, जो व्लॉगिंग देखिए, व्लॉगिंग करिए, पर एक लिमिट होता है हर चीज़ का यार, हर चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं आप, अच्छा नहीं है ना, तो वो मैं बोल रहा हूँ है ना। जो लोग सक्सेसफुल है हो गए, इनका लक अच्छा था, उनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अच्छी थी, उनको पहले ही फेमस थे वो, तो व्लॉगिंग में आए थोड़ा और फेमस हो गए, और कुछ लोगों ने और मेहनत किया, लेकिन हर चीज़ को एक्सपोज करना ठीक नहीं है ना। तो ये बाकी आप लोग की मर्ज़ी, मेरा वीडियो देखे ना देखे, मुझे तो मैं क्या, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सकता हूँ है ना, मार्गदर्शक बन के, शुभचिंतक बन के, इससे ज़्यादा मेरी और कोई औकात नहीं है। आप लोग का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, मैं भी कोई संत नहीं हूँ, सब सी हम, वी ऑल आर नॉट परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, सो बींग ह्यूमन। अब बोलेंगे सलमान सर का फ़ैन हूँ, चलो कोई नहीं, उनका भी फ़ैन हूँ है ना, नो वन इज़ परफेक्ट, जस्ट बींग ह्यूमन, लर्निंग इन प्रोग्रेस है ना। तो थैंक यू भाई, यही था, थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए बस।